Good morning, children. Welcome to your online EVS class. Children, we are studying chapter 1, Care of Body Parts. Today is its third assignment. In first and second assignment, we have learned about body parts, health, sense organs, care of ears and eyes. In today's lecture, we will study about the care of skin and nose. So let's start it. Skin. Sense of touch or feel. Skin, आपको पता है आपकी body में जो skin है वो पूरी body आपकी skin से covered है और वो हमें क्या महसूस कराती है, हमें आसपास की हर चीज़ को टच करके फील कराती है कि वो कैसी है, ठीक है. स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी एंड गिव्स अस द सेंस ऑफ टच. हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और हमें टच करके बताती है कि हमने जिस भी चीज़ को टच किया है वो कैसी है. स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का ये सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है. आपको पता है सेंस ऑर्गन्स रिमेंबर कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. बाकी के चारों सेंस ऑर्गन तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन स्किन ने हमारी पूरी बॉडी कवर की हुई है और ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है. इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग. स्वेटिंग होता है पसीना, ठीक है. हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, जो भी हमारा तापमान होता है बॉडी का, टेम्परेचर क्या होता है? तापमान. जैसे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, पहले 98.4 कहते थे लेकिन अब डॉक्टर्स कहते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का. तो ये सब कैसे मेंटेन रहता है? पसीने की वजह से. आपने भी नोटिस किया होगा गर्मियों में आपको ज़्यादा पसीना आता है बट सर्दियों में कम आता है. व्हेन समथिंग कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अवर स्किन वी कम टू नो इफ इट इज़ हॉट और कोल्ड, रफ और स्मूथ एक्सेट्रा. जब भी हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें पता चल जाता है वो ठंडी है, गर्म है, रफ मतलब खुरदरी है या स्मूथ बहुत मुलायम है, है ना. कहीं कांटा, अगर कांटे पे लगा दोगे, थॉर्न पे हाथ लगाओगे तो पता चल जाएगा ये चुभ रहा है. गैस के पास जाओगे, आग के पास, तो पता चलेगा ये बहुत गर्म है, इससे दूर रहना. तो हर चीज़ को फील करने के लिए हमें उसे टच करके ही पता लगता है. तो वो उसमें हमारी हेल्प करता है हमारा सेंस ऑर्गन स्किन. इधर ध्यान दीजिए, ये फंक्शन ऑफ द स्किन. फंक्शन किस तरह से दिखाया है स्किन का, कैसे स्किन काम करती है. द स्किन टचेज एन ऑब्जेक्ट. सबसे पहले स्किन किसी चीज़ को छूती है. द नर्व्स ऑफ द स्किन सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन. हमने लास्ट टाइम एक वीडियो भी देखी थी, उसमें भी ये सब बताया था कि हमारे सेंस ऑर्गन से जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं उनके थ्रू ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है और फिर ब्रेन से हमारी मोटर नर्व्स के थ्रू कहाँ पर आता है वापस, हमारे बॉडी ऑर्गन को पता चलता है भी क्या हो रहा है. तो नर्व्स ने स्किन से मैसेज भेजा ब्रेन को और फिर ब्रेन क्या करता है, रीड्स द मैसेज एंड एनेबल्स अस टू फील द ऑब्जेक्ट्स. फिर वो ब्रेन क्या करता है, उस मैसेज को रीड करता है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसा है ये हमें फील कराता है. आपको पता है हर बॉडी पार्ट की केयर करनी चाहिए, राइट. तो स्किन की केयर हमें कैसे करनी है, लेट अस स्टडी हियर. क्लीन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी वाइल टेकिंग बाथ. जब भी आप नहा रहे हो तो अपनी बॉडी के हर पार्ट को अच्छे से क्लीन करिए. वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स. हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए. अवर डाइट शुड इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन्स. हमारा जो भोजन है, जो भी हम खाते पीते हैं, उसको कैसे होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, हमें विटामिन्स से. तो हमें जो भी खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है. अप्लाई कोल्ड क्रीम और ऑयल
टू मेक योर स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ इन विंटर्स। सर्दियों में हमें अपनी बॉडी हमारी ना रफ़ हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है। कभी आप विंटर्स में नोटिस करना अपनी बॉडी पर कुछ ऐसे, जैसे हाथ से ही आप अपने आप को स्क्रैच करके देखो तो वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं, तो वो ऐसे ड्राई स्किन की वजह से होता है। हमारी स्किन ड्राई ना हो उसके लिए हमें अपनी स्किन पर ऑयल या कोल्ड क्रीम लगानी चाहिए। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज नोज। नोज़ किस लिए काम आते हैं, क्या करते हैं नोज़ हमें? सेंस ऑफ स्मेल, हाँ, कि एक फ्रेग्रेंस है या स्मेल है। स्मेल होता है मतलब कोई बुरी गंदी स्मेल, बैड ऑर्डर आ रही है, या फिर कोई फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छी सी, कोई खुशबू आ रही है किसी चीज़ की। हमें कौन बताता है? हमारी नोज़ बताती है। हम घर में सब्ज़ी जल जाए तो फटाफट पता लग जाता है ना, मम्मा आज सब्ज़ी जला दी आपने, वो कैसे पता लगता है? आवर नोज़ स्मेल्स इट। वी स्मेल विद द हेल्प ऑफ आवर नोज़। हम अपनी नोज़ की हेल्प से स्मेल करते हैं। इट हैज़ टू ओपनिंग्स कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स पता है कैसे बोलते हैं? आपने अपनी नोज़ को ऑब्जर्व किया होगा, उसमें दो होल्स होते हैं, टू होल्स। उन टू होल्स को हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। उन्हीं नॉस्ट्रिल्स की वजह से हम क्या कर पाते हैं? ब्रीथ। नॉस्ट्रिल्स विच हेल्पर्स ब्रीथ। तो हमारे हमें ब्रीथ करने के लिए कौन हेल्प करता है? हमारे नॉस्ट्रिल्स। ओके, सम स्मेल्स आर प्लेजेंट सच एज स्मेल ऑफ अ परफ्यूम और अ फ्लावर, बट सम स्मेल्स आर अनप्लेजेंट सच एज फाउल स्मेल ऑफ गार्बेज। कुछ तो प्लेजेंट यानी जो हमें खुशी देती है, और अनप्लेजेंट जो हमें खुशी नहीं देती, बुरी लगती हैं। ठीक है, कुछ स्मेल्स तो हमें जो प्लेजेंट होती हैं, जैसे कि किसी परफ्यूम की या फ्लावर की स्मेल होती है, बहुत अच्छी लगती है ना। लेकिन गार्बेज यानी कूड़े की स्मेल, कूड़े की, फाउल मीन्स गंदी, कूड़े की गंदी जो स्मेल होती है वो कैसी लगती है हमें? अनप्लेजेंट, यानी हमारे मन को नहीं भाती, अनप्लेजेंट लगती है। केयर ऑफ द नोज़। अब नोज़ की भी तो केयर ज़रूरी है ना। अगर नोज़ गंदी होगी तो ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी हमें, है ना, और हर वक्त इरिटेशन भी होती रहेगी। तो नोज़ को क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना है? ऑलवेज यूज़ अ क्लीन टिश्यू पेपर और अ हैंकरचीफ टू क्लीन योर नोज़। टिश्यू पेपर तो आपको पता ही है बच्चे सबको, हैंकरचीफ हैंकी को बोलते हैं। तो हमें हमेशा साफ कपड़ा, हैंकी या फिर टिश्यू पेपर को यूज़ करना चाहिए अपनी नाक साफ करने के लिए। डू नॉट पिक योर नोज़ विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट तो छोड़ो, फिंगर भी नहीं अंदर डालनी चाहिए। कई बच्चों को हैबिट होती है नोज़ नॉस्ट्रल्स में फिंगर पुट इन करते रहते हैं, विच इज़ वेरी बैड हैबिट। तो ना तो नोज़ में कभी आपने फिंगर डालनी है, ना ही कोई और शार्प ऑब्जेक्ट। कोई बच्चा पेंसिल डालने लग जाता है, कुछ भी हाथ में उसे डालने लग जाते हैं, नहीं करना है। कभी भी नोज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी है। यूज़ नेज़ल ड्रॉप्स टू क्लियर द ब्लॉक्ड नोज़। कई बार क्या होता है, हमारी नोज़ ब्लॉक हो जाती है ना, हमें सांस नहीं आ रही होती, बिल्कुल बंद पड़ जाती है, जुकाम हो जाता है। कभी तो रनिंग नोज़ होती है, या तो बहने लग जाता है जुकाम, या फिर ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक नोज़ में आप क्या करेंगे? या तो नेज़ल ड्रॉप्स होती है नाक में डालने वाली दवाई, डॉक्टर से या तो आप वो लेकर डालेंगे, या फिर नोज़ के बाहर ही मम्मा से विक्स लगवाएंगे सोते टाइम रात को, उससे भी नोज़ जो ब्लॉक होती है वो खुल जाती है। और कई कभी कभी स्टीम लेने से भी हमें बेनिफिट मिलता है। सिंपल वाटर की स्टीम ले सकते हैं आप, उससे भी नोज़ जो हमारी ब्लॉक होती है वो ओपन हो जाती है। बट इन प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड आफ्टर एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर। अपने आप कुछ नहीं करना आपने। When you wash your face every morning, blow your nose to clean it. जब भी आप सुबह अपना फेस वॉश करते हैं ना, और सोकर उठने के बाद, तो अपनी नोज़ को ब्लो किया करो। ठीक है, ब्लो करने से क्या होता है, उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, और हमारी नोज़ जो है वो क्लीन हो जाती है। तो प्रॉमिस में कि आप ये सब प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे एंड अपनी बॉडी की केयर करेंगे। वेरी गुड, नाउ लेट्स डू द असाइनमेंट, जिसे आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। टुडे वी हैव ओनली टू क्वेश्चन, वो भी स्मॉल वन। दैट इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में स्किन का क्या रोल है?
स्किन प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी एंड गिव्स अस सेंस ऑफ टच, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी की रक्षा करती है। बच्चों सोचो अगर स्किन नहीं होती तो क्या होता, बिल्कुल भी नहीं, आपकी बोन्स वगैरह सब मसल्स दिख रही होती हैं और वो आसानी से इंजर्ड हो जाती, ठीक है। एंड गिव सेंस ऑफ टच, कुछ भी टच करने पर हमें जो पता लगता है कि वो क्या चीज़ है, वो ड्यू टू अवर स्किन। व्हाट डज अवर नोज हेल्प अस टू डू, हमारी नोज क्या करती है, अवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल, हमारी नोज हमें स्मेल करने में हेल्प करती है, जिससे हमें प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट स्मेल के बारे में पता लगता है। सो आज इतना ही, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।